हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार लाइट। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वॉल्वो XC60 का, और ये मार्केट में कॉम्पीट करेगी ऑडी Q5 के साथ, BMW X3 और मर्सिडीज बेंज GLC के साथ। एंड ऑल्दो XC60 एक 5-सीटर SUV है, लेकिन वॉल्वो ने इसमें किंग साइज़ SUV वाले फीचर्स दिए हैं। तो आप वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे पहले देखिए छोटा सा स्नीक पीक। एंड ये है वॉल्वो XC60 की फ्रंट लुक। LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं एक्टिव बेंडिंग लाइट्स के साथ, और टी शेप में DRLs मिलते हैं। साथ में हेडलाइट हाई प्रेशर क्लीनिंग भी मिलती है। इनकेस अगर हेडलैम्प गंदे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कार एक वाटर प्रेशर थ्रो करेगी हाई प्रेशर, जो कि हेडलैम्प्स को पूरी तरह से क्लीन कर देगा। और ये फ्रंट इंस्क्रिप्शन ग्रिल एंड लोगो के अंदर आपको इंटीग्रेटेड कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा। एंड फ्रंट में फुल LED फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, जो कि कॉर्नरिंग लैम्प्स की तरह वर्क करते हैं। उसके अलावा चार कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जो है क्रिस्टल वाइट पर्ल, ब्लैक मैक्स, हैवाना ब्राउन और पाइन ग्रे कलर। एंड XC60 में यूरो NCAP रेटिंग दी गई है 5-स्टार की, और वॉल्वो की हर एक कार काफ़ी सेफ होती है और टॉप नॉच फीचर से लोडेड होती है। और यहाँ पर दिए गए हैं 19 इंचेस के 10-स्पोक ब्लैक डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 223 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। फुल एयर सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में भी और रियर में भी, यानी ड्राइव मोड चेंज करेंगे तो उस हिसाब से सस्पेंशन एडजस्ट हो जाएगा। एंड साथ में 4-कॉर्नर चेसिस दी गई हैं, जो कि है 4C। एंड 4C का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस कंट्रोल चेसी कॉन्सेप्ट। 4 ड्राइव मोड मिलते हैं, जो है ईको, कम्फर्ट, डायनामिक एंड ऑफ रोडिंग। एंड कंफर्ट एंड ईको मोड में जो कार का सस्पेंशन है वो 10-20 mm लो हो जाएगा हाई स्पीड पे, एंड डायनामिक में 20 mm लो हो जाएगा। एंड अगर आप ऑल व्हील ड्राइव या फिर ऑफ रोडिंग का लगाते हैं तो उसमें हाईएस्ट जो ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है वो हो जाएगी। और ये आप देख रहे हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल। एल शेप में हेडलैम्प्स दिए गए हैं एंड डुअल इंटीग्रेटेड टेल पाइप्स मिलती हैं, या एग्जॉस्ट जिसे आप कह सकते हैं। यह डुअल इंटीग्रेटेड टेल पाइप्स एंड फुल LED टेल लाइट्स दी गई हैं, जो कि एल शेप में दी गई हैं। और यहाँ पे D5 इंजन की बैजिंग दी गई है, इंस्क्रिप्शन मॉडल की बैजिंग दी गई है, एंड साथ में ऑल व्हील ड्राइव का लोगो दिया गया है। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के लगेज कंपार्टमेंट यानी बूट स्पेस की। तो यहाँ पे की जो मिलेगी, यानी की फॉब जो मिलेगी गाड़ी की चाबी, वो मिलेगी अपॉलस्ट्री से मैचिंग। मल्टीपल वेज दिए गए हैं बूट को ओपन करने के, हम फुट के जेस्चर से भी ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट मिलता है। एंड यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो सिर्फ बूट क्लोज होगा, इसको प्रेस करेंगे तो बूट भी क्लोज होगा एंड गाड़ी भी क्लोज हो जाएगी। एंड यहाँ पे फ्रंट में नेट दिया गया है इनकेस हमें ज़्यादा लगेज कैरी करना हो। एंड एडजस्टेबल रियर ट्रे मिलती है, पार्सल ट्रे। टोटल 3 लगेज लैम्प दिए गए हैं। एंड बूट स्पेस मिलेगी 505 लीटर्स की, यानी 505 लीटर की यहाँ पे लगेज लैम्प। साथ में 12V का पावर सॉकेट दिया गया है। एंड काफ़ी सारे नेट्स मिलते हैं एंड शॉपिंग हुक्स दिए गए हैं। और ये है बूट सिल, जो कि लोडिंग एंड अनलोडिंग में जो स्क्रैचेस पड़ते हैं उसे अवॉइड करने के लिए दी गई है। और यहाँ पे मिलता है स्पेयर व्हील, स्पेस सेवर,
जैक और अदर टूल्स भी उधर ही दिए गए हैं, और यहाँ पे राइट साइड 4 बटन्स दिए गए हैं, और 2 बटन्स इसमें से सस्पेंशन एडजस्ट करने के हैं एंड 2 रियर सीट्स फोल्ड डाउन करने के हैं जैसे ये, और यहाँ पे दिया गया राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पे सस्पेंशन एडजस्ट का भी दिया गया है। और अब हम इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीट्स डाउन हो जाएंगी, पहले हेडरेस्ट डाउन होगी फिर सीट डाउन हो जाएगी। इसे राइट वाली बटन दबाया हमने तो राइट वाली सीट डाउन होगी, अब हम लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे तो लेफ्ट वाली सीट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी इन केस हमें अगर लगेज कंपार्टमेंट ज़्यादा चाहिए। और सेकेंडली सबसे बेहतरीन फीचर दिया गया है जो कि XC90 में मिलता है वो है सस्पेंशन एडजस्ट करने का, और हम इसे अगर डाउन करेंगे तो सस्पेंशन आप देख सकते हैं नीचे हो रहा है। इन केस हमारे पास कोई हैवी लगेज है और उसे उठाने में हमें दिक्कत हो रही है तो हम सस्पेंशन डाउन करके इसे आराम से रख सकते हैं, और इसे सस्पेंशन डाउन और अप मैनुअली कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सस्पेंशन नीचे हो रहा है, एंड जैसे ही हम बूट क्लोज करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। अभी हमने कर दिया क्लोज़, अब जो सस्पेंशन है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सस्पेंशन रेज हो गया है ऑटोमेटिकली। एंड अब अदर फीचर्स की बात करी जाए तो मिचलिन वी के टायर्स दिए गए हैं कैविटी नॉइज़ डैम्पिंग के साथ, जो कि नॉइज़ को कैबिन में अंदर आने से रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा ड्राइवर अलर्ट कंट्रोल दिया गया है जो कि ड्राइवर की थकान और डिस्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करता है और सजेस्ट करता है कि ब्रेक लेना चाहिए इन केस कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। एंड उसके बाद रियर कोलिजन वार्निंग मिलती है, XC60 अपने आप डिटेक्ट करती है कि अगर कोई गाड़ी रियर से हिट करने वाली है, और ऑटोमेटिकली हैजार्ड लाइट फ्लैश करती है वो भी एक फास्ट स्पीड से ताकि गाड़ी को इंडिकेशन मिल जाए। और उसके बाद रन ऑफ रोड प्रोटेक्शन एंड लेन कीपिंग एड दिया गया है जो कि गाड़ी को अपनी लेन में रखता है। और ओवरऑल जो XC60 बनी हुई है वो बनी हुई है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ बोरोन स्टील से जो कि काफ़ी रिजिड है। एंड उसके बाद मिलता है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो गाड़ी अपने आप आसपास की गाड़ियों की ट्रैफिक की स्पीड जज करेगी और उसी स्पीड के अकॉर्डिंग गाड़ी अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेगी। एंड कोलिजन मिटिगेशन सपोर्ट भी दिया गया है जो कि इंजरीज़ को प्रोटेक्ट करता है। और ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन मिलती है विद क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट दिया गया है, जो कि जैसे हम कार को रिवर्स कर रहे हैं और बाय चांस कोई ह्यूमन आ जाता है बीच में, या कोई एनिमल आ जाता है, या कोई भी पर्सन आ जाता है, तो वो कार अपने आप अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब हम कार को रिवर्स कर रहे होते हैं, और ये सिस्टम वर्क करेगा अप टू 30 मीटर्स। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा मिलता है, पार्क असिस्ट पायलट मिलता है जो कि हैंड्स फ्री पार्किंग है। एंड अब उसके बाद बात करते हैं अदर फीचर्स लिस्ट की, तो सिटी सेफ्टी दिया गया है जो कि डे एंड नाइट वर्क करता है अप टू 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, और डिटेक्ट करता है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, और बाय चांस हमारी गाड़ी के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है और हम ब्रेक नहीं लगाते तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेगी। एंड सारी विंडोज़ जो दी गई हैं वो दी गई हैं लेमिनेटेड, और लेमिनेटेड विंडोज़ का मतलब ये होता है कि नॉर्मल विंडशील्ड तो क्रैक हो जाएगी अगर कोई कोलिजन होगी, और लेमिनेटेड विंडोज़ वहीं पे इंटैक्ट रहेगी, इजीली क्रैकेबल नहीं होगी। एंड 8 एयरबैग्स दिए गए हैं, 6 एयरबैग मिलते हैं इनफ्लैटेबल कर्टिन्स के साथ। एंड फ्रंट सीट्स में दी गई है विप्लैश प्रोटेक्शन, और कार एक सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखती है अप टू 130 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, थोड़ा बहुत स्टेयरिंग को एडजस्ट करके ऑटोमेटिकली। हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड रोड साइड इंफॉर्मेशन भी मिलती है, और साथ में रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए गए हैं, ग्राफिक हेडअप डिस्प्ले मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिलते हैं, और सारी सीट बेल्ट्स मिलती हैं प्रिटेंशनर्स के साथ जो कि कोलिजन के टाइम ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है और इंजरीज को मिनिमाइज करती है। एंड अब बात करेंगे वॉल्वो XC60 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो इंडिया में सिर्फ एक ही मॉडल अवेलेबल है, वो है इंस्क्रिप्शन मॉडल जिसका प्राइस है 55.9 लाख, और ये मॉडल फुली लोडेड है 1969 cc, 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, D5 डीजल इंजन विद 4 सिलेंडर, और पावर दी गई है 235 हॉर्सेस की, और टॉर्क मिलता है 480 न्यूटन मीटर का, साथ में 8-स्पीड गियरट्रॉनिक गियरबॉक्स दिया गया है, ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलता है, और फुल एयर सस्पेंशन दिया गया है। साथ में माइलेज की बात करी जाए तो 11.2 kmpl की माइलेज है, और ड्राइविंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि बैलेंस बना के रखती है पावर एंड एफिशिएंसी के बीच में, और IARTC की भी टेक्नोलॉजी मिलती है। साथ में XC60 में मिलेगा 71 लीटर का फ्यूल टैंक, और अगर टॉप स्पीड की बात करीजिए तो 230 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। एंड वॉल्वो ने अपनी इस गाड़ी में दी है पावर पल्स की टेक्नोलॉजी जो कि ओवरकम करेगी टर्बो लैग, यानी कि जो पावर की शॉर्टेज होती है बिलो 2000 RPM,
और अब हम चलेंगे कार की फ्रंट सीट्स पे और देखेंगे वहाँ पे कितने फीचर्स ऑफर करे गए हैं। और उससे पहले हम बात करते हैं बाहर के विंग मिरर्स यानी कि ORVMs की। तो यहाँ दिए गए हैं ऑटो डिमिंग ORVMs, साथ में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वो है कॉन्वेक्स पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपको काफ़ी वाइड व्यू देगा। तो ओवरऑल ORVM काफ़ी वाइड व्यू देने के लिए डिज़ाइन करा गया है। एंड ये है फ्रंट डोर एंड टू मेमोरी सीट्स का फंक्शन दिया गया है फ्रंट सीट्स में। नापा लेदर अपॉल्स्ट्री मिलती है। 15 बॉर्ज एंड विल्कन्स के प्रीमियम साउंडिंग स्पीकर्स दिए गए हैं। और ये फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स दी गई हैं, साथ में फोर वे एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट भी मिलता है। एंड जो फ्रंट सीट्स मिलती हैं वो दोनों सीट्स मिलेंगी मसाजिंग फंक्शन के साथ, हीटिंग का और कूलिंग का फंक्शन भी दिया गया है। और रियर सीट्स में जो मिलता है वो मिलता है हीटिंग फंक्शन, साथ में स्टेयरिंग व्हील भी हीटेड मिलता है। एंड जो फ्रंट सीट्स दी गई है वो दी गई है एनर्जी एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि वर्टिकल इम्पैक्ट को बॉर्न करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन करा गया है। इनकेस अगर गाड़ी एयर बॉर्न हो जाती है और बहुत हार्श लैंडिंग करती है तो हमारी स्पाइन को यानी रीढ़ की हड्डी को कम से कम नुकसान पहुँचेगा। और ऐसी सीट्स ऑर्थोपेडिक के कंसल्ट करके मेडिकेटेड सीट्स बनाई गई हैं। और आप ये देख रहे हैं मसाजिंग सीट्स, फ्रंट टू सीट्स यानी ड्राइवर और को पैसेंजर की दोनों की सीट्स मसाजिंग फंक्शन के साथ मिलती है। मसाजिंग की पोजीशन और स्पीड दोनों आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सीट्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन का लोगो दिया गया है यानी मॉडल का लोगो। और टोटल 4 आपको मिलते हैं इंटीरियर ऑप्शन, जो है एम्बर इन चाकोल इंटीरियर, मैरून ब्राउन इन चाकोल इंटीरियर, ब्लॉन्ड इन ब्लॉन्ड इंटीरियर और ब्लॉन्ड इन चाकोल इंटीरियर। टोटल नेपाल लेदर अपॉल्स्ट्री मिलती है ड्रिफ्ट वुड डेकोर इनलेस के साथ। और ये फ्रंट आर्मरेस्ट, साथ में यहाँ पे सीडी प्लेयर दिया गया है, स्टोरेज दी गई है एंड यूएसबी स्लॉट्स दिए गए हैं 2 और एक ऑक्स का पोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये ड्राइव मोड सिलेक्शन, डायमंड फिनिश दी गई है मेटल बटन के साथ। और यहाँ पे 4 ड्राइव मोड दिए गए हैं जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इको कम्फर्ट, ऑफ रोड एंड डायनामिक। एंड ये है की फॉब अपॉल्स्ट्री से मैचिंग, जो अपॉल्स्ट्री लेंगे उसी से मैचिंग की फॉर्म मिलेगी। एंड ये है पुश स्टार्ट बटन, जो कि हम राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार स्टार्ट हो जाएगी। और ये है स्लाइडिंग कंसोल, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, साथ में सिगरेट लाइटर दिया गया है। एंड फ्रंट में ऐश ट्रे दी गई है। और ये है 9 inches की सेंसस स्क्रीन वर्टिकल पोर्ट्रेट डिस्प्ले के साथ। और यह है रियर कैमरा, 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है जो कि इधर से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। यह है कार का 360 डिग्री कैमरा जो कि पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड इस सिस्टम पे ही सारे आपके कंट्रोल्स आ जाएंगे, सेफ्टी कंट्रोल जिसे जो आपको चाहिए उसे आप सिलेक्ट करो, जिससे नहीं चाहिए वो अनसिलेक्ट करो। और यहाँ से हेडरेस्ट नीचे जो पीछे वाली एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी, जैसे आप देख रहे हैं अभी मैं बटन प्रेस करूंगा तो हेडरेस्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी इन केस पीछे का व्यू ब्लॉक हो रहा है और हमें व्यू अच्छा चाहिए तो ये आगे से ही एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इधर ही दिए गए हैं जिसे हम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। एंड इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो सेंसर्स कनेक्ट इसे नेम दिया है, 9 inches की स्क्रीन है और साथ में ये सपोर्ट करेगा 1 AUX 2 USB CD, ब्लूटूथ, सैटेलाइट नेविगेशन को, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को, साथ में जो रोड साइड इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो भी साइन बोर्ड्स दिए गए हैं वो भी इधर ही डिस्प्ले होंगे। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलिंग एंड हीटिंग का फंक्शन भी इधर से ही कंट्रोल होगा। ये है को पैसेंजर साइड सीट्स और ये है ड्राइवर साइड, इसमें हम कूलिंग और हीटिंग की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में स्टेयरिंग व्हील हीटेड का भी फंक्शन इधर ही दिया गया है। एंड टोटल गाड़ी में मिलेंगे 15 प्रीमियम साउंडिंग बॉर्ड्स एंड विल्कन्स सराउंड साउंड सिस्टम, 1 वेंटिलेटेड सबवूफर मिलेगा और काफ़ी हाई परफॉर्मेंस स्पीकर दिए गए हैं। और ये है कार का लेदर रैप हीटेड स्टेयरिंग व्हील, पेडल शिफ्टर्स मिलेंगे, साथ में ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स एंड ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स भी स्टेयरिंग व्हील पे ही मिलेंगे। एंड यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर जो कि फुल डिजिटल दिया गया है, 12.3 inches का डिस्प्ले है एंड वॉल्वो ने इसे नेम दिया है इंटेलिजेंट ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। नेविगेशन, मीडिया, ट्रिप मीटर एंड ब्लूटूथ टेलीफोनी को इधर ही डिस्प्ले करेगा ये।
एंड ड्रिफ्टवुड डेकोर इनलेस के साथ साथ जो डैशबोर्ड दिया गया है वो टेलर डैशबोर्ड दिया गया है कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग के साथ। और ये है ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे कूलिंग फंक्शन मिलेगा, साथ में एल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स दिया गया है। एंड यहाँ पे फ्रंट में दिए गए हैं टू इंडिविजुअल एलईडी रीडिंग लैंप्स जो कि रियर में भी मिलेंगे, थिएटर डिमिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है लैम्प के साथ, और ये है रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ, एंड ORVM भी ऑटो डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही मिलेगा। और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लैम्प के साथ, और ये है पैनोरामिक सनरूफ के ब्लाइंड्स, फ्रंट से लेके एंड तक टोटल रूफ दी गई है। एंड यहाँ पे लैम्प के आगे ही पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड बेसिकली ये रूफ दी गई है ओवरऑल कार को काफ़ी स्पेशियस बनाने के लिए या फिर काफ़ी एयरी फील देने के लिए। एंड यहाँ पे 50% ओपन हो जाएगी ये रूफ, और यहाँ पे कंसोल दिया गया है एयर नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए। एंड यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं बूट को रिलीज़ करने के एंड ओवरऑल कैबिन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के। एल्यूमिनेटेड सेल प्लेट्स दी गई हैं वॉल्वो के लोगों के साथ। एंड ये है रियर डोर, ड्रिफ्टवुड इंसर्ट्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे एल्यूमिनेटेड पावर विंडोज़ दी गई हैं, यहाँ पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं, और साथ में इंडिविजुअल लॉक करने के बटन्स दिए गए हैं। एंड ये है रियर सीट्स जिसकी हेडरेस्ट आप आगे से फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको पीछे व्यू अच्छा चाहिए तो। और यहाँ पे फ्रंट सीट्स के नीचे अंदर दिया गया है कर्टसी लैम्प, वाइट एल्यूमिनेशन के साथ दो लैंप्स मिलते हैं, और यहाँ पे एक सेंटर में भी हेडरेस्ट दी गई है, और ये है कंफर्ट के लिए आर्म रेस्ट, और यहाँ पे दिया गया स्टोरेज ऑप्शन, साथ में टू कप होल्डर्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे दिए गए हैं आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, और ये फुल लेंथ पैनोरामिक सनरूफ। एंड यहाँ पे हैवी वेट कैरी करने के लिए स्पेशल डिज़ाइन हुक दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे लैम्प दिया गया है एलईडी लैंप्स, एंड यहाँ पे भी एलईडी लैम्प दिया गया है। और ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, और यहाँ पे एल्यूमिनेटेड सिगरेट लाइटर दिया गया है, या 12V का पावर सॉकेट दिया गया है, इसे आप जैसे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहें। और यह है रियर AC, 4-Zone AC मिलता है, यानी कि चारों पैसेंजर अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में रियर जो सीट्स दी गई हैं वो दी गई हैं हीटेड, और उसके भी कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ये टच पैनल पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर एंड स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में हीटेड सीट्स मिलती हैं, 4 वेंट्स फ्रंट में मिलते हैं एंड 4 वेंट्स रियर में दिए गए हैं। एंड एयर क्वालिटी कंट्रोल मिलता है जो कि इंश्योर करता है कि बाहर की एयर से अंदर की एयर ज़्यादा प्योर हो। तो ये था वॉल्वो XC60 का रिव्यू जो कि लोडेड है टॉप नॉच फीचर्स के साथ, और इसका प्राइस है 55.9 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और ये मार्केट में कॉम्पीट करेगी ऑडी Q5, BMW X3 एंड मर्सिडीज GLC के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू।